हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आर्डिनो के सीरीज का थर्ड वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आर्डिनो का बोर्ड को एक्सप्लेन किया था पूरा, मतलब कि एक ओवरव्यू पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, ताकि आगे जो हम लोग डिटेल वीडियो मतलब कि आर्डिनो बोर्ड का हम लोग एक एक पार्ट देखने वाले, एक पार्ट भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज से शुरू हो रहा आर्डिनो बोर्ड का एकदम डिटेल वीडियो। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और हमारे आर्डिनो सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको बस दो काम करना है, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले इसको डिटेल में, मेनली आज हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये बहुत ही सिंपल कर दिया, मैंने जितनी भी चीज थी और सब मैंने हटा दिया है, ताकि आपको ये इजी लगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारे कंपोनेंट को देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले, ताकि आप मेरा आर्डिनो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल के फ्री कंटेंट भी आपके जो पेड कंटेंट होते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्डिनो बोर्ड, मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पोनेंट आते जाएगा, वो सब इसे मैंने हटा दिया है, क्योंकि आपको सिंपल लगे और समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये जैक होता है जिससे हम लोग आर्डिनो में पावर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2.1 mm × 5.5 mm का मेल सेंटर पॉजिटिव होता है। मेल सेंटर पॉजिटिव मतलब कि जो सेंटर में पिन होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे इनपुट हम लोग दे सकते हैं 7 to 12 volt, ठीक है। 7 to 12 volt हम लोग को यहाँ पे इनपुट देना वो रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें आप मिनिमम 6 volt और मैक्सिमम 20 वोल्ट दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो आपके आर्डिनो के साथ गेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेटर दिख रहा होगा। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 7 to 12 volt यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आर्डिनो कितना वोल्ट में ऑपरेट होता है, आर्डिनो 5 volt में ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आप 20 volt भी दे सकते हैं इनपुट, लेकिन ये जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो जो आप जितना भी वोल्ट दे उसको 5 volt में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर का काम, ठीक है। और फिर यहां पे अगर आप देखेंगे ये रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रीसेट बटन का मतलब होता है कि जो आर्डिनो का जो प्रोग्राम है वो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, वो फिर से शुरू हो जाएगा। रीसेट बटन का मतलब यहां पे ये नहीं है कि जो प्रोग्राम है वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रीसेट बटन का यहां ये मतलब है कि जो प्रोग्राम है आपका फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाला होता है वो ATmega328P होता है, ठीक है। ATmega328P को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये ATmega328P सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर क्रिएटेड बाय एटमेल, ठीक है। ये एटमेल के द्वारा बनाया जाता है और ये सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर है। इट इज मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर विथ सेपरेट स्टोरेज एंड सिग्नल पाथवे फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है विथ सेपरेट स्टोरेज, जिसका सेपरेट स्टोरेज होता है, एंड सिग्नल पाथवे, जिसका सेपरेट स्टोरेज और सिग्नल पाथवे होता है फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, जो भी आप इंस्ट्रक्शन और डेटा देते हो उसके लिए, ठीक है। ये 8-bit RISC होता है। RISC का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो P होता है उसका मतलब होता है पीको पावर, देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें 28 पिन होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 28 पिन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका इंटरनल डायग्राम भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे वर्क करता है सब कुछ देखेंगे। उसके बाद अगर आप इसका फीचर्स देखें तो यहाँ पे ये 8-bit माइक्रो कंट्रोलर होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है इसका 1.8 to 5.5 वोल्ट्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इनपुट
आउटपुट पिन जो होता है वो 14 होता है, जिसमें से 6 जो होता है वो PWM पिन होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। उसके बाद यहाँ पे एनालॉग इनपुट पिन होता है, एनालॉग इनपुट 6 एनालॉग इनपुट पिन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आउटपुट पिन नहीं होता है। यहाँ पे जो डिजिटल होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे एनालॉग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट होता है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश मेमोरी होता है, वो 32 KB होता है, ऑफ भी 0.85 KB यूज बाय बूटलोडर, ठीक है। इस लाइन का मतलब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये तीनों मेमोरी, यहाँ पे एस रैम जो होता है वो 2 KB का होता है, ई प्रोम जो होता है वो 1 KB का होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या होता है, तीनों मेमोरी होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बूट लोडर क्या होता है, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्लॉक स्पीड जो होता है वो 16 MHz का होता है। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया और हम लोग ने ATmega328P भी पढ़ लिया। अब देखते हैं हम लोग ATmega16u2 माइक्रोकंट्रोलर। तो ATmega16u2 माइक्रोकंट्रोलर देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ATmega16u2 कुछ ऐसा दिखता है, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। ऑन योर Arduino बोर्ड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर USB पोर्ट एंड द मेन प्रोसेसर सीरियल पोर्ट। दस 16u2 एक्ट एज अ USB टू सीरियल कन्वर्टर, मतलब ये USB टू सीरियल कन्वर्टर होता है। ये देखिए यहाँ पे ATmega16u2 है, ठीक है। यहां से हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग, इंग्लिश में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो ATmega328P है इसको समझ में आता है अरेबिक, ठीक है, इसको समझ में आता है अरेबिक। तो यहां पे ATmega16u2 जो है इसको इंग्लिश और अरेबिक जो है वो दोनों समझ में आता है, ठीक है, इंग्लिश और अरेबिक दोनों समझ में आता है। तो ये क्या करता है, हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इंग्लिश और अरेबिक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम जो हम लोग अपलोड करते हैं वो इसको अरेबिक में कन्वर्ट करके ये माइक्रो कंट्रोलर को समझाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंग्लिश और अरेबिक वाले एक साथ तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे थर्ड पार्टी से। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे होता है ATmega16u2, इसको इंग्लिश और अरेबिक दोनों आता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, ठीक है। तो यही था यहाँ पे ATmega16u2 का काम। फिर अगर आप देखेंगे तो Arduino बूटलोडर इन ATmega328P अलाउ द चिप टू बी प्रोग्राम वाया UART पोर्ट, ठीक है, UART सीरियल पोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, सीरियल मतलब ही होता है बिट बाय बिट, जैसे 1100 अगर सेंड करना है तो पहले 1 सेंड होगा, फिर 1 सेंड होगा, फिर 0 सेंड होगा, फिर 0 सेंड होगा, सीरियल मतलब ही होता है बिट बाय बिट। यहाँ पे ATmega328P में बूट लोडर होता है, ठीक है, बूट लोडर होता है जो अलाउ करता है चिप को टू बी प्रोग्राम वाया UART पोर्ट, ठीक है, जो अलाउ करता है चिप को UART पोर्ट से प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। ये बूट लोडर क्या होता है मैंने डिटेल में बताया, आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा, फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा एक खास बात और होता है कि आप यहाँ पे इसको यूज करके एक अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर है तो। ये होता है ICSP पोर्ट जिससे हम लोग इसमें प्रोग्राम अपलोड करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको भी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बचा है सिर्फ पिंस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पिंस को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो चलते हैं। तो Arduino पिन डिस्क्रिप्शन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 से लेकर 13 तक डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है, और यहाँ पे A0 से A5 तक होता है एनालॉग पिन, ठीक है, एनालॉग इनपुट पिन होता है, ये आउटपुट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालॉग पिन है वो यहाँ पे डिजिटल के तरह भी यूज कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इसको बहुत ही सिंपल करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला दिख रहा है वो है AVR। AVR हम लोग अभी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी बस ये समझ लीजिए कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस कलर को देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल पिन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिजिटल पिन है, ठीक है।
फिर ग्रीन कलर से देखेंगे तो यहाँ पे ये एनालॉग पिन है, ठीक है। फिर पावर का देखेंगे तो ब्लैक कलर में है, ठीक है। उसके बाद सीरियल में, सीरियल का देखेंगे तो यहाँ पे टीएक्स आरएक्स है, यहाँ ऑरेंज कलर में। फिर एसपीआई देखेंगे तो यहाँ पे है, फिर आई स्क्वायर सी देखेंगे, फिर पीडब्ल्यूएम है, फिर इंटरप्ट पिन है, ठीक है। इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन देखेंगे तो यहाँ पे 0 से लेकर के 13 तक जो होता है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है, और यहाँ पे A0 जो होता है वो 14 होता है, A1 होता है वो 15 होता है, A2 होता है वो 16 होता है, A3 होता है 17 होता है, A4 होता है वो 18 होता है, A5 होता है वो 19 होता है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का 20 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है, 19 नहीं, मतलब ये 0 को भी हम लोग काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 टोटल डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है, ठीक है। तो ये इनपुट के लिए भी यूज होता है और आउटपुट के लिए भी यूज होता है। तो अगर इसका कमांड देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल रीड और डिजिटल राइट दोनों होता है, ठीक है। हाई जब रहता है तो हाई के लिए यहाँ पे 1 यूज होता है, जब लो रहता है तो उसके लिए यहाँ पे 0 यूज होता है। तो ये होता है डिजिटल पिन। इसको कैसे यूज करते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो Arduino बोर्ड कंप्लीट होने के बाद जो प्रोग्रामिंग का सीरीज आएगा उसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनालॉग पिन। तो एनालॉग पिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे A0 से A5 तक रहता है एनालॉग पिन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 एनालॉग पिन होता है। तो ये पिन जो होता है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट दोनों के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज होता है, सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनालॉग रीड जो होता है वो कमांड होता है, वो प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे। तो ये रिटर्न मतलब कि नंबर कैसे रिटर्न करता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0 से लेकर के 1023 तक नंबर रिटर्न करता है। मतलब कि अगर 0 वोल्ट रहा तो वो 0 नंबर देगा, और अगर 5 वोल्ट रहा मैक्सिमम तो 1023 रहा, फिर 3 वोल्ट रहेगा तो 0 से लेकर के 1023 के बीच में जो नंबर आता है वो कुछ आएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफाइन रहता है 0 से लेकर के 1023 तक। तो ये नंबर कैसे डिफाइन रहता है, तो वो वोल्ट के ऊपर डिफाइन रहता है, जितना वोल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से मिनिमम होता है 0 वोल्ट और मैक्सिमम होता है Arduino में 5 वोल्ट, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक में ये नंबर आता है 0 से लेकर 1023। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ना आपको जोश आएगा पढ़ने में और ना ही मुझे जोश आएगा पढ़ाने में, वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज हम लोग ने डिजिटल और एनालॉग पिन हम लोग ने खत्म कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बाकी AVR पावर सीरियल SPI I2C PWM इंटरप्ट आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बड़ा ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर दे, क्योंकि मैं वहां पे पोस्ट डाल देता हूँ वीडियो आने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए आज कौन सा टॉपिक आने वाला है और आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप कुछ मिस ना कर जाए। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।